Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I स्वागत है आप सभी का दोस्तों कुशाग और टेक्नोलॉजी के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं हाइसेंस A6K को, और मैं इसमें आपको मैं अपने एक्सबॉक्स सीरीज एक्स पे गेम खेल के दिखाऊंगा और बताऊंगा कि क्या ये 120 हर्ट्ज का टीवी वर्थ इट है। तो चलिए अनबॉक्स करते हैं। सबसे पहले अगर आप पैकेट खोलेंगे तो आपको पैकेट मिल जाएगा एक स्टैंड, जो स्टैंड आपको टीवी को वॉल माउंट करने में हेल्प करेगा, और ये रहा बेस स्क्रूज और स्टैंड्स जिससे आप टीवी को टेबल पे टेबल माउंट कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात मुझे इनकी ये लगी कि ये जो है सो मेटल के बने हुए हैं, ये क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ये जो स्क्रूज़ हैं वो भी काफ़ी स्टर्डी हैं, तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग को बॉक्स में क्या मिलता है। बॉक्स के अंदर हम लोग को मिलता है एक टीवी, टीवी के साथ साथ हमें मिलेंगे कुछ स्क्रूज़ एंड कुछ केबल्स। जो स्क्रूज़ एंड केबल्स हैं सो हम लोग को मिलते हैं ताकि आप टीवी को कनेक्ट कर सकें वॉल सॉकेट से और पावर ऑन कर सकें। सबसे पहले हम लोग टीवी पर नज़र मारते हैं, रिमोट साइड पर रख देते हैं। अभी टीवी के नीचे तीन स्पीकर ग्रिल्स हैं, एक पावर बटन है जिसकी मदद से आप अगर टीवी को रिमोट आपको खो जाता है तो उसको आप ऑन कर सकते हैं। टीवी के पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको तीन HDMI पोर्ट्स मिलेंगे, जिसमें से एक HDMI ERC पोर्ट है, जिसमें टीवी तो लिखा हुआ है कि 4K 60 हर्ट्ज़ ये सपोर्ट करता है, तो उसका सारा सच मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले टीवी को सेटअप कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। टीवी हम लोग का सेटअप हो चुका है। टीवी की आप देख सकते हैं डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये 4K नॉर्मल पैनल है, क्यूलेट पैनल नहीं है, ये नॉर्मल LED पैनल है, लेकिन इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसकी जो मैं देख पा रहा हूँ व्यूइंग एंगल्स भी काफ़ी अच्छे हैं, और इसका जो डिस्प्ले का जो स्मूथनेस है सो मेरे को एक नज़र आ रहा है। डिस्पाइट बीइंग नॉट बीइंग अ MEMC डिस्प्ले, इसकी स्मूथनेस काफ़ी अच्छी है, और मैं देख पा रहा हूँ कि डिस्प्ले की जो रिस्पॉन्सिवनेस वो भी काफ़ी अच्छी है। UI में किसी भी तरह का कोई लैग या किसी भी तरह का इनपुट रिस्पॉन्स में प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए हम लोग इसका स्पीकर टेस्ट करते हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी स्पीकर क्वालिटी कैसी है। हम लोग एक नेफेक्स का क्लिप प्ले करने वाले हैं जो ऑलमोस्ट एक म्यूज़िक है, और उसको हम लोग प्ले करके मैं आपको दिखाता हूँ। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my boss to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the stars, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed. अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं ट्रू पिक्चर क्वालिटी की। मैं एक आपको 4K 60fps का HDR Dolby Vision सपोर्टेड वीडियो प्लेबैक करके दिखाने वाला हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सीन में, मैं आपको YouTube के एल्गोरिदम में दिखा दे रहा हूँ। YouTube का जो ऐप है आपको दिखा रहा है 2160 मतलब 4K और 60fps पे HDR वीडियो है ये। तो ये टीवी Dolby Vision को अभी तक खुद से सपोर्ट नहीं कर रहा है, शायद कोई अपडेट आएगा या किसी भी तरह का कोई अपडेट मिलता है तो उसके बाद सपोर्ट करेगा। अभी तक YouTube पे ये Dolby Vision का आउटपुट सपोर्ट नहीं कर रहा है। मैं जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, इस टीवी का जो कलर्स हैं काफ़ी वाइब्रेंट से कलर्स हैं, थोड़ा सा मेरे हिसाब से डायनामिक रेंज में थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है मेरे को थोड़ा ब्लैक्स भी थोड़ा बेटर हो सकते थे, लेकिन जो कलर का जो ओवरऑल ब्लू प्रिंट है वो काफ़ी अच्छा है, HLG कलर सपोर्ट करता है ये।
एक और बात जो मैं बता देना चाह रहा हूँ, जो मैंने नोटिस किया है वो ये है कि एक एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है जिस पर किसी भी तरह का रिफ्लेक्शन नहीं पड़ता है अगर आप इसको लाइट सोर्स में देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है। अगर आप बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइट सोर्स में कोई काम करते हैं वहाँ पर आपका टीवी का स्क्रीन रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक बात जो और मैंने नोटिस की है कि नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन प्राइम जैसे ऐप्स में डॉल्बी विज़न और SDR का सपोर्ट ये करता है। आपको कैलिब्रेट करना पड़ेगा सेटिंग्स में जा करके, लेकिन यूट्यूब में ये कैलिब्रेट करने के बावजूद सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा कॉन है। मेरे हिसाब से इसको अपडेट के साथ फिक्स किया जा सकता है, लेकिन हाइसेंस वालों को इस चीज़ की ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब मैं आपको बताऊंगा पर्सनली कि क्या मैंने इसको क्यों परचेज़ किया है। इस टीवी को मैंने इसको परचेज़ किया था फॉर द सेक ऑफ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। मैं एक एक्सबॉक्स सीरीज एक्स का ओनर हूँ, रेगुलर गेमर हूँ, तो मैं आपको पर्सनली इसलिए मैंने परचेज़ किया था क्योंकि ये एक 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट का 4K टीवी है और बजट में भी है। तो ये सब बहुत सारे लोग इसको परचेज़ करेंगे इस रीज़न की वजह से, तो उस रीज़न को हम लोग डिकोड करेंगे कुछ देर में। और मेरे हिसाब से आपको वो परचेज़ नहीं करना चाहिए अगर आप इस रीज़न की वजह से कर रहे हैं, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कंसिडर करने की ज़रूरत है। अगर आपको जानना है तो प्लीज़ इस वीडियो के अंत तक बने रहें, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आपको इसको कंसिडर नहीं करना चाहिए। हम लोग सबसे पहले इसको क्या करेंगे, अपने एक्सबॉक्स सीरीज एक्स से मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने इसको अपने एक्सबॉक्स सीरीज एक्स से कनेक्ट कर लिया है और ये जो है सो 4K 60 FPS का ही आउटपुट दे रहा है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग देख पा रहे हैं कि UI काफ़ी स्मूथ है, किसी भी तरह का लैग नहीं है एक्सबॉक्स कनेक्ट करने के बाद। ये बहुत ही अच्छी बात लगी मेरे को। और थोड़ा कलर्स भी मेरे को पता नहीं क्यों बेटर लग रहे हैं, नॉर्मल मोड से बेटर लग रहे हैं एक्सबॉक्स के साथ कनेक्टेड होने पे, तो एक बहुत ही यूनिक सी बात है। अगर आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग के पास बहुत सारे गेम्स इंस्टॉल्ड हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक डेडिकेटेड गेमिंग रिव्यू बनाऊँ इस टीवी पे, तो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले FIFA 23 खेल के देखते हैं जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट गेम है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, उससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। Derek Ray here in the commentary position, joined tonight for live coverage by Stuart Robson. It's Paris Saint-Germain facing Real Madrid. Well, Derek, we've got some of the world's top players out there tonight, so this has to be a great game, doesn't it? I just hope to see both sides play to their full potential. I can't wait for this. Oh, great defending. And here is the initial 11 for Paris Saint-Germain. Gianluigi Donnarumma begins in goal. Marco Verratti starts with Fabian in the centre of midfield. And in attack today, Kylian Mbappe starts with Lionel Messi. Oh, the keeper at fault. Oh, nearly shaving the crossbar with that powerful effort. Lucas Vazquez. Well, considering the form book, Stuart, Kylian Mbappe has got to be taken seriously here. Well, just take a look at those stats, Derek. It paints the perfect picture for you. He's been so clinical in front of goal and just one away from equaling that record now. I can only see him adding to his tally today. And the referee has decided to award the free kick to PSG. Lionel Messi being egged on by the crowd, and the keeper more than equal to it. Defensive action called for. Misfiring completely. Yeah, he's gone for power, but the contact was never right. It's a poor effort, really. Nacho Fernandez being closed down. Good pressure. Can they make something of this? Fabian. Well, just went a bit too early. Offside. Nacho Fernandez. Vinicius Junior. Committed challenge. Messi. Takes it on. And just over the bar. Really good effort. Thank you.
goalkeeper dicing with danger. Well, that's a moment he'd like to airbrush from history. Not a good attempt. Well, lots of power, but no control whatsoever. That's a real waste. Great pressure to win the ball back. Fabian. Well, as you can see, it's been really tight, and neither side is taking enough risk going forward. Hopefully that will change soon, and then we might get some entertainment. Indeed, two trenchant sides, not giving very much away at all. Mbappe, might be a chance here. Well, whatever way you slice it. So, aap logon ne FIFA 23 ka gameplay dekha. और गेम प्ले देखने के बाद आप लोग अपना जो भी आप लोगों को लग रहा है आउटपुट्स आप लोग देख पा रहे होंगे। चलिए अब हम लोग इस टीवी में मैं आपको दिखा रहा हूँ सेटिंग्स में जाकर के एक्सबॉक्स के कि ये क्या क्या चीज़ें सपोर्ट करता है और क्या क्या चीज़ें सपोर्ट नहीं करता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको कंसिडर करने की ज़रूरत है, जैसे कि मैं जाऊँगा टीवी डिस्प्ले ऑप्शन में, तीन रिजोल्यूशन ऑब्वियसली 1080p 4K 720p में आप इसको कैलिब्रेट कर सकते हैं। और अगर मैं आपको जाके दिखाऊँ टीवी के सेटिंग्स के अंदर, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि टीवी जो है सो 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट नहीं सपोर्ट करता है। तो एक बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है हम लोगों के साथ, जो भी कंटेंट यूज़र्स हैं हाईसेंस इसको जो है सो स्टिमुलेटेड 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट क्लेम कर रहा है, जो एक स्कैम है। डेफिनेटली वहाँ पर उन्होंने एस्टेरिक स्टार लगा के रखा है, तो अगर आप हाईसेंस से परेशान हैं तो हाईसेंस आपको एक तरह का, लेकिन छोटा सा स्कैम है कस्टमर को 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट क्लेम करके नहीं देना, वो अलग बात है। कि ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी इस प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छी है, और ओवरऑल ये हाईसेंस A6H के ऊपर काफ़ी बड़ा अपग्रेड है। तो चलिए हम लोग कैशफेल्ड 9 खेल गए। क्या ये टीवी आपको खरीदना चाहिए? इनिशियल वर्डिक्ट है हाँ। पूरे रिव्यू के लिए इंतज़ार करें, और चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तब तक के लिए बाय बाय।